दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। एक और जहां मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों को 12 घंटे बिजली दिलाकर किसानों को खेती का लाभ का धंधा बनाने की बातें करने में पीछे नहीं रहते, तो वहीं वर्तमान में रीवा जिले में पड़ रही बेतहाशा गर्मी के कारण किसान से लेकर आम जनमानस तक बिजली की आंख मिचौली और लो वोल्टेज के कारण परेशान है। बिजली विभाग की अघोषित कटौती के कारण अधिकतर बोरवेल के मोटर नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण अंचल के लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। नदी तालाब पहले ही सूख चुके हैं। किसानों की प्याज की फसलें सूख कर नष्ट हो गई हैं, जिसके कारण किसान बर्बाद हो रहा है। नईगढ़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्याज की बोनी की जाती है। प्याज की खेती में प्रति एकड़ 40,000 रुपयों से ज्यादा खर्च आता है, लेकिन वर्तमान में विद्युत की अघोषित कटौती के कारण नईगढ़ी अंचल के किसानों की फसल सूख गई, जिसके कारण किसानों और लाइन मैन के बीच अक्सर आए दिन झड़प होती है। किसान ने अपनी समस्या सुनाते हुए लाइन मैन को जमकर लताड़ा और यहां तक कहा कि अधिकारी अपने घर की महिलाओं के सोने के टाइम में बिजली चालू करते हैं, उन्हें किसानों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। जी 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 है? मैं दुखित हूँ और मेरा ये प्रायश्चित लगेगा ये 100% चाहे एक्सीडेंट हो के मरे और चाहे उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ले, ये प्रायश्चित लगेगा, मैं ये बता रहा हूँ। जी जी मैं बहुत दुखित हूँ और मुझे लाइट की वजह से मेरी मेरी दुर्गत हो रही है। मैं परेशान दुखित हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे एरिया में यदि घुस गया लाइन मैन, यदि बिजली विभाग घुस गया, पुलिस नहीं, कोई पहल नहीं, हम 50 किसान मिलकर कपार फाड़ देंगे। ये उद्देश्य में है भला, ये आप एक बिजली विभाग मेरे क्षेत्र का अधिकारी है, आप, मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरी विनती है कि आप लोग इस तरह के दमन मत करिए किसानों का। अब जो गुरुदेव हमको ऊपर से आदेश मिलेगा वही, कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है, चूतिया बनाने का आदेश है आप लोगों को। सुनिए, हर क्षेत्र में लाइट देने का 12 घंटा का ऐलान है। 12 घंटे में आप कितने घंटे तीनों ऑफिस लाइट दे रहे हैं, आप बताइए। 10 घंटे आज 10 घंटे लाइट आप दे रहे हो ऊपर, बताइए तीनों ऑफिस की 10 घंटे लाइट किसान को मिल रही है। किसान कितने बजे, 11 बजे से 4 बजे के, ये आपने ये भी आप घंटे में आप टाइम ले रहे हैं, 4 घंटे आप धूप में दे रहे हैं और 4 घंटे लाइट आपकी 6 घंटे कहाँ गई। अब हम क्या करें, हम कर्मचारी आदमी, जो आदेश मिल रहा है उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आदेश क्या बोलता है कि 11 बजे आप लाइट को वितरण कीजिए दोपहर में। अब जो भी नियम कानून है तो वह कानून है, 10 बजे से आपका 6 बजे आपका है 2 शिफ्ट लाइट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है तो 12 बजे दोपहर में लाइट दीजिए, जब आपके बहन बेटिया एसी में सोने को, तब 11 बजे के बाद लाइट देते हो और इसके बाद हमारे किसानों की कोई वो नहीं है, जबकि सारी दमन किसानों के साथ, सारा वसूल किसानों के साथ हो रही है। मैं कहाँ रहती हूँ? ग्राम पंचायत। का नाम है? अंशुजी अफसर। बिजली की समस्या, समस्या काफी चल रही है, कोई बिजली नहीं मिल रही है। हाँ, किसान परेशान है, प्याज सूख गई है, प्याज सूख गई किसान की। कितने घंटे बिजली? एक दो घंटे जो आती है सिर्फ, जो है थोड़ा आगे आती है, मोटर नहीं चलता है। हाँ। पानी मिल जाए, पानी पीने भर के मिलता है तो। कितने एकड़ में प्याज बोए? प्याज 3 एकड़ में बोली किए हैं, लेकिन प्याज सब सूख करके नष्ट हो गई। नष्ट हो गई। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।